नमस्कार, आप देख रहे हैं सिन न्यूज और कोरोना अपडेट के साथ मैं हूं निशा कश्यप। कोरोना का कहर फिलहाल जारी है और ये वक्त बहुत ही नाजुक है। एक एक दिन भारी है क्योंकि हमारी जिंदगी भले ही सामान्य गति से चल रही हो लेकिन कोरोना अपनी रफ्तार से ही बढ़ रहा है। आज हम कोरोना से संक्रमितों के आंकड़ों के साथ बच्चों को मिलने वाली वैक्सीन के अपडेट पर भी बात करेंगे। इस बात की भी जानकारी देंगे कि बाकी देशों में लगने वाले टीके से भारत में दी जाने वाली वैक्सीन कितने हद तक कारगर है। पहले जान लेते हैं आज के आंकड़ों को। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 1660 मामले सामने आए हैं। इस समय केरल में सबसे ज्यादा 5219 मामले सक्रिय हैं, महाराष्ट्र में 892, कर्नाटक में 1834 और पश्चिम बंगाल में 738 मामले फिलहाल सक्रिय हैं। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शुक्रवार को बताया कि अब तक 12 से 14 साल के 1 करोड़ से अधिक बच्चों को कोरोना के टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक इस आयु वर्ग के लाभार्थियों का टीकाकरण 16 मार्च को शुरू हुआ था। इन्हें कार्बोवैक्स टीका लगाया जा रहा है। इस टीके की दूसरी खुराक 28 दिनों के अंतराल पर दी जाती है। उन्होंने आगे लिखा, टीका लगवाने वाले मेरे सभी युवा योद्धाओं को बधाई, इस गति को जारी रखें। वहीं कई देशों ने कोरोना के खिलाफ एक अतिरिक्त खुराक जारी की है जिसे बूस्टर शॉट के रूप में भी कहा जा रहा है। ये उन्हें लगाया गया जो पहले से टीकाकरण करा चुके थे। दिसंबर के अंत में ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा था, तब चीन का सिनोवैक इसके मुकाबला करने में काफी हद तक असफल रही थी। हांगकांग विश्वविद्यालय की ओर से किए गए अध्ययन के अनुसार सिनोवैक ओमिक्रॉन के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित करने में नाकाम साबित हुई। इसके अलावा ये उन लोगों में पर्याप्त स्तर की सुरक्षा मुहैया कराने में विफल रही जिन्हें पहले ही इसकी खुराक दी जा चुकी थी। ये निश्चित रूप से चीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि 2021 तक यहाँ की 1.6 बिलियन आबादी को 2.6 मिलियन से अधिक खुराक दी गई है। ये तो थी आज पूरे दिन की कोरोना अपडेट। ऐसे ही कोरोना अपडेट और कोरोना से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए देखते रहें सिन न्यूज़। धन्यवाद।